हाई गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज कृपाली ठुमर एंड आज के वीडियो में हम करने वाले हैं ये वाला मेकअप लुक। सो दिस इज लाइक काइंड ऑफ वेयरिंग एस मेकअप लुक, या आप एवरीडे मेकअप लुक कह सकते हो, या फिर यू नो नेचुरल मेकअप लुक भी कह सकते हो। सो इफ यू वॉन्ट टू सी हाउ आई डिड इट देन कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले प्लीज इग्नोर माई हेयर स्टाइल, मैंने अभी चोटी बना के रखी है ताकि बाल मेरे मुँह पे ना आए। सो द फर्स्ट थिंग विल स्टार्ट विथ स्किन केयर एंड फेस वॉश कर लिया है एंड आई यूज मिनिमलिस्ट का टोसिलिक एसिड फेस वॉश। अब हम यूज करने वाले हैं गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर। सो अच्छे मेकअप बेस के लिए आपको अच्छा सा स्किन केयर भी करना ज़रूरी है, तभी आपका बेस फ्लॉलेस लगेगा। मैं आपको यहाँ पे सिखा नहीं रही हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आती है ये करने में। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड दिस इज़ बेस्ट फॉर सेंसिटिव स्किन। 4-5 महीनों से बहुत ख़राब हो रही थी तो आई डिसाइडेड टू यूज दिस। आई स्टार्टेड यूजिंग दिस एंड दिस इज द बेस्ट मॉइस्चराइजर एवर आई हैव यूज्ड। सो या रात का टाइम है तो आई एम नॉट यूजिंग सनस्क्रीन, बट अगर आप दिन में कहीं पे जा रहे हो मेकअप करके तो सनस्क्रीन स्किप मत करना। देन टू मॉइस्चराइज माई लिप आई एम यूजिंग डॉट एन की का ग्लोस बॉस लिप बाम विच हैज़ विटामिन सी प्लस ई एंड SPF 30। दिस इज द बेस्ट लिप बाम आई हैव एवर ट्राइड। मैं ना बाकी बहुत सारे मैंने लिप बाम यूज़ किए लेकिन सारे ना एक काइंड ऑफ एडिक्शन थे, जब वो निकल जाते थे तो वापस मेरे लिप्स जो चैप्ट लगने लगते थे। तो फिर मोस्टली रात को लगाती हूँ, फिर मैं पूरे दिन अगर ना लगाऊँ ना दूसरे दिन तो भी मेरे लिप्स अच्छे से सॉफ्ट मॉइस्चराइज रहते हैं। सो आई हाईली रिकमेंड दिस वन, स्मॉल अमाउंट ऑफ इट। एंड एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि अभी थोड़े दिन में, मतलब 4-5 दिन में मेरे कज़िन की शादी है, तो मैं बस एक काइंड ऑफ मैं मेकअप की प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, जो मेकअप लुक मुझे वहाँ पे चाहिए। क्योंकि यू नो अगर आपने वो मेकअप पहले किया हुआ होता है ना तो आपको पता होता है कि कहाँ पे कौन सी मिस्टेक हो सकती है एंड वहाँ पे तो जल्दी जल्दी तैयार होना होगा। तो फिर इट इज़ बेस्ट टू ऑलवेज ट्राई योर मेकअप एट होम बिफोर यू ट्राई इट आउट समवेयर एल्स। सो या मेरा स्किन एकदम पैक हो चुका है, एज यू कैन सी द ग्लो। तो अब हम यूज करेंगे प्राइमर। दिस इज लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये इतने अच्छे से पोर्स को ब्लर कर देता है एंड आपको कुछ ज़्यादा अमाउंट भी नहीं चाहिए, इतना कि पूरी मेरी नोज को कवर लेकर जोन को कवर कर लेगा लाइक दिस। द नेक्स्ट थिंग इज प्राइमर को 2 मिनट रहने देते, सेट होने देते। ओके सो नेक्स्ट स्टेप इज कंसीलर। इनसाइड का कंसीलर आपको अगर शीर कवरेज चाहिए, लाइक बहुत ज़्यादा वाला, ऐसा ना लगना चाहिए कि बहुत प्रोडक्ट लगाया है, तो यू कैन यूज़ दिस। मुझे तो ये कंसीलर बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो व्हाट इज़ द शेड, मुझे पता नहीं चला यहाँ पे शेड किधर कहाँ पे लिखा है, इधर भी नहीं है। सो आई डोंट नो द शेड बट दिस कंसीलर इज़ वेरी नाइस फॉर I'm using it for my dark circles and the pigmentation I have on my face, like my acne marks. A bit to blend this, मैं अपने fingers को use करूँगी, no need of brush or beauty blender. ड्रेक नहीं करना है, टैप टैप करना है, keep that in mind. बहुत ही लाइटली करना है, नो प्रेशर।
see the difference. This side and this side. Actually concealer के मामले में ये मेरी first purchase थी and ये ना एक miracle है कि ये मेरा shade आ गया, क्योंकि मुझे कुछ शेड के बारे में कुछ खास पता नहीं था, सिर्फ ऐसे ही मंगवा लिया मैं. इट्स मिरेकल दैट ये मेरा शेड का ही है. एंड नाउ आई एम यूजिंग मेबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन. इसके अंदर SPF 22 भी है एंड आई एम द शेड 310. ये फाउंडेशन भी मैंने ऐसे ही तुक्का लगा के मंगवा लिया था एंड ये मेरा एग्जैक्ट मैच है, मैं आपको दिखाती हूँ. तो कोई भी फाउंडेशन अगर आपको लेना हो तो आपको यहाँ पे स्वॉच करना होता है ताकि आपको अपना शेड पता चले. सो हियर यू गो. डू यू सी कितना क्लोज मैच. नाउ मैं थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे और यहाँ पे, इसको भी आई ब्लेंड विथ माय हैंड. यू नो हाथ से ब्लेंड करने में ना वो नेचुरल वाली कवरेज आती है. सो यूज योर हैंड if you want that natural coverage and natural look. Also don't forget your neck. So this is how my base looks right now. So yeah, this is how I apply my base. And now ab jab baat aati hai isko set karne ki, yaar I don't like to set or bake, kyunki pata nahi main set ya bake karti hu uske baad mein skin ekdam फ्लैकी फ्लैकी हो जाती है. तो मैं मेरा ब्यूटी ब्लेंडर लेती हूँ, फिर उसको यूज़ करके सिर्फ ऐसे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल लेती हूँ. जस्ट लाइक दिस कंसीलर के क्रीज होने के चांसेस ज़्यादा, वहाँ से मैं ऐसे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल लेती हूँ. ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ब्लश. आई गेस मुझे ब्लश लगाना बहुत पसंद है. ब्लश लगाने का परफेक्ट वे है, ब्रश लेना है, उसको ऐसे लिपस्टिक में डिप करना है, देन जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे टिप टिप करना है, उसके बाद आई यूज इट ऑन माय फेस. सी आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू द टेक्निक्स. I'm not the professional makeup artist or anything. And you know beauty techniques भी आपको अपने आप से find करनी होती है, trial and error से ही आप सीखते हो. अगर आप मुझे पहले से जानते हो कि तो आपको पता होगा कि मैं मेरे जो channel की शुरुआत मैंने की थी वो ही मैंने like makeup से की थी. मुझे trust me वो जो सारे मेकअप के वीडियोस मैंने डाले थे, मुझे मेकअप का एम भी नहीं आता था. वो जो भी मैंने आई शेडोज वाले ट्यूटोरियल डाले वो मैंने पहली बार किया है, सब कुछ पहली बार. एंड आज मैं उसे देखती हूँ चली कि व्हाट, मुझे इतना मेकअप आता भी था. मैंने सिर्फ देखा है और देख के ही सीखा है. आई नेवर ट्राइड इट. वो पहली बार ही मैंने वीडियो बनाने के लिए किया था. एंड ब्लश लगाने से ना आपके फेस पे मस्त डेप्थ ऐड हो जाती है. सी अब वो फ्लैट नहीं लगता है फेस. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कंटूरिंग. मुझे कंटूरिंग करना पसंद नहीं है. तो मैं एक्चुअली ये स्विस ब्यूटी की अल्टीमेट शेडो पैलेट है जिसका शेड है 05, उसमें से ये वाला जो शेड है उसको एज ए कॉन्टोर यूज करती हूँ. टैप ये जो लाइन होती है ना आपके ईयर्स की, ये होता है कॉन्ट्रोलिंग. एंड उसको ऐसे ऊपर ले जाते हैं. इवन ब्लश और कॉन्ट्रोल जो भी आप लगाओ तो यहाँ से यहाँ ले जाना है. डोंट फॉरगेट दैट. सी द पावर ऑफ मेकअप.
देन अगर मैं नोज कॉन्टोरिंग भी बहुत कम करती हूँ, बट आज फॉर द वीडियो आई एम डूइंग इट, तो फॉर द नोज कॉन्टोरिंग ऑल्सो आई एम टेकिंग द सेम शेड टेप। भी नोज कॉन्टोरिंग भी ना मैं यहाँ से यहाँ करती हूँ, तो आपका पूरा मेकअप यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट होना चाहिए, तभी वो नेचुरल लगेगा। सो समथिंग लाइक दिस। एज यू गाइस कैन सी, नोज कॉन्टोरिंग से भी कितना डिफरेंस आ गया मेरे फेस में। अब मैं आँखों पे कुछ करने की ट्राई करती हूँ, मुझे कुछ खास करना नहीं है। इज द नेम सजेस्ट नेचुरल मेकअप लुक, तो इसको नेचुरल रखने के लिए मैं वही सेम शेड की सेम लिपस्टिक यूज़ करी जो मैंने ब्लश के लिए यूज़ की थी, एंड उसको मैं यहाँ पे जो आपकी कट क्रीज है यहाँ पे वहाँ पे लगाना है। दैट इज इट। नाउ लेट्स ऑल्सो डू साइड और थोड़ा सा लॉलर शाइन बेबी। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मस्कारा, तो आई एम यूजिंग मेबेलिन न्यूयॉर्क द कलोसल वाटर प्रूफ मस्कारा। मुझे इसका वॉशेबल मस्कारा वाला वर्जन भी लेना है, बट लेट्स ट्राई दिस आउट। मस्कारा लगाते वक्त मुंह ना बनाना वो भी एक आर्ट है। सी द डिफरेंस दिस एंड दिस, एंड ऑल्सो द बेस्ट मस्कारा आई हैव एवर ट्राइड। ऑफ कोर्स इसको निकालने में थोड़ी सी हैसल होती है, बट इट इज़ वर्थ इट। मेरी आँखें ब्यूटीफुल, तो मैं आईब्रोज आई प्रेफर, मैं उसको कुछ नहीं करूँ, सिर्फ ये जो यहाँ पे जो थोड़ा सा दिख रहा है उसको पहले इन कर दूँ। एंड फॉर दैट आई यूज अ ब्लैक पेंसिल, आई नो इट्स वियर्ड बट। एंड फॉर द लिप्स आई एम यूजिंग लाइक माय एब्सोल्यूट मैट मेल्ट मिनी, दिस इज इन द शेड 301 न्यूट एम्बेला समथिंग लाइक दैट। मुझे दिख नहीं रहा है एक्चुअली, लेट्स ट्राई दिस। मैं लिप लाइनर लगाना भूल गई, लिप लाइनर है पता नहीं कौन सी है, ऐसे यूज कर लेते। एज यू कैन सी ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, बट एक दो बार ऐसे कर लोगे तो थोड़ी सी ट्रांसफर प्रूफ हो जाएगी। एंड दिस इज द फाइनल लुक, एंड आई थिंक इट लुक्स प्रीटी गुड इन द वेरी एकदम सिंपल मिनिमल एंड नेचुरल भी लग रहा है। एंड या सो आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपडेट ऑफ माई न्यू वीडियोज। थैंक यू सो मच, बाय।